कि शाहरुख खान फॉर मी वॉज द एपिटमी ऑफ व्हाट लव लुक्स लाइक ऑब्वियसली बियॉन्ड नॉट द क्रीपीनेस पार्ट ऑफ इट ठीक है बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट लाइक फॉर मी दैट वॉज हाउ दैट इज हाउ लव शुड बी दैट इज हाउ यू नो वो जो होता है ना कि आप बस मर मिट गए और ये और आई रियली हैड टू अनलर्न दैट पार्ट ठीक है आई रियली हैड टू सिट डाउन माई सेल्फ एंड से अच्छा ये तुम्हारे पास भाई जान ये आइडियाज आ कहाँ से रहे हैं ये जो आपके मर मिट जाने वाले आइडियाज हैं ये कहाँ से हैं और फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा वो अजय देवगन भी यही करता था और शाहरुख खान भी यही करता था और सुनील शेट्टी का भी यही प्रॉब्लम था ठीक है ना सो आई सॉ अ लॉट ऑफ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन दोज मूवीज वो बहुत माना भाई पॉडकास्टर है उसका क्या नाम है लेक्स फ्रीडमैन हाँ तो लेक्स फ्रीडमैन का एक बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक वो बहुत टॉप लोगों से बात करता है बेस्ट ऑफ देयर फील्ड्स एंड FBI से लेके सो फ्रॉम मार्क ज़करबर्ग एंड ऑल ऑफ दिस ठीक है टॉप नॉच ठीक है लाइक राइट आफ्टर जो रोगन अगर कोई होगा ठीक है तो वो लेक्स फ्रीडमैन है लेक्स फ्रीडमैन थोड़ा सा क्योंकि टेकी भी है तो वो AI और उन सारी चीज़ों में भी है ठीक है तो उसने एक लिखा कि बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस ठीक है उसकी ट्वीट थी बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस आई हैव टॉक्ड टू सो मेनी पीपल हु आर टॉप ऑफ द फील्ड बट नो वन हैज लाइफ फिगर्ड आउट नो वन ठीक है एंड उस चीज ने मुझे ना बड़ा हिलाया गुफ्तगू से तो यही लगता है बट द प्रोस्पेक्ट कम्स डाउन कि हमारी बहुत सारी खुशफहमियां होती हैं एंड आई थिंक फिलोसफी एंड रिलीजन हमें बार बार कहता रहा है ना कि submission. Do not try to be a papa for everything. Yes. Try to understand that. So it has its repercussions. For example, it seems like an equal exchange kind of a thing. कि आपने payment करनी होती किसी चीज़ की तो आप success के लिए एक payment दे रहे होते हो जिसका कभी ना कभी आपको हजाना भरना पड़ता है कभी ना कभी उसका एक prospect बन जाता है वो चाहे वो mental health पे हो चाहे वो family का function हो जाए but whichever direction you choose, you miss out on a few things, yes. which is another aspect of that. So आपने कहीं ना कहीं choose करना है कि यार अच्छा दिस इज द फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट्स वेरी थ्योरेटिकल आई बिलीव दैट थ्योरी कॉन्वर्सेशन बिकॉज मुझे ना ये चीज़ एक समझ आई रिसेंटली कि चलो काम करना एक्शन रहना वो सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो मैं अपने साथ वक्त गुजारना है विच इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माई लाइफ इन साइड माई हेड बीमार बिस्तर पे सोने से पहले सुबह जागते साथ दिस इज़ ऑल टाइम्स दैट आई हैव टू स्पेंड विद सो ये जो गुफ्तगू है ना बहुत सारे लोग कहते हैं बातें बाबू करके दिखाएं इतना कोई आसान नहीं है ये बातें कर लेना इंटरनल नैरेटिव को फिक्स करने सो आई बिलीव गैदरिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिसिंग दैट इंफॉर्मेशन हैज वैल्यू ओके सो आज की हमारी खुशफहमी है टॉक्सिक लव प्यार इश्क इश्क इन इटसेल्फ आई थिंक कि बहुत बड़ी खुशफहमी है कि लोगों को लगता है उन्हें इश्क समझ आया हुआ है या प्यार के बारे में पता है बट हम एक्सट्रीमिस्ट हैं बाय नेचर और ये हम का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान ह्यूमंस इन जनरल एक एक्सट्रीमिस्ट नेचर का व्यू है बट हाउ बिग ऑफ अ रोल डू यू थिंक बॉलीवुड या शाहरुख खान मैं तो ये कह सकता हूँ फॉर अ फैक्ट कि शाहरुख खान फॉर मी वॉज द एपिटमी of what love looks like obviously beyond not the creepiness part of it theek hai but I'm being very honest like for me that was how that is how love should be that is how you know the wo jo hota na ki aap bas mar mit gaye aur ye aur I really had to unlearn that part theek hai I really had to sit down myself and say कि अच्छा ये तुम्हारे पास भाई जान ये आइडियाज़ आ कहाँ से रहे हैं ये जो आपके मर मिट जाने वाले आइडियाज़ हैं ये कहाँ से हैं और फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा वो अजय देवगन भी यही करता था और शाहरुख खान भी यही करता था और सुनील शेट्टी का भी यही प्रॉब्लम था ठीक है ना सो आई सॉ अ लॉट ऑफ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन दोज मूवीज एंड एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड मूवीज हॉलीवुड मूवीज एनी थिंग बिकॉज ऑब्वियसली वो एक आइडिया और एक यंग माइंड है जो उनको देख रहा है ऐसे मूवियां देख रहा है सारा दिन बैठ के ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वो लस्ट वाला फंक्शन आ जाता है कि उसको ग्लोरिफाई करके उसको प्यारा दिखाना फॉर एग्जांपल रिलीजन में ना मल्टीपल स्पेसेस में नॉट जस्ट इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज्म बहुत सी जो वो कहते हैं ये शायरों पे ना
ज्यादा भरोसा ना करें क्योंकि कहानी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इट्स गुड टू विजिट and see it as context but you can't apply it to your life ana lekin dekho shayari in it on its own jo hai is the language chosen by the quran to Which explain so fact. It means that a lot it has a lot of power right so at the time as well at the time uski value bahut zyada thi is waqt agar main currently pakistan ke context ke andar dekhta hu to sher o shayari and art nahi lekin art to chalo ek side pe hai lekin sher o shayari abhi bhi like what are songs then theek hai सॉन्ग शायरी है ना और क्या हम लैंग्वेज को सिंपलीफाई कर करके इस पॉइंट पे ले आए हैं अब तो रैप बन गया ना हमारा थोड़ा सा वो रैप फंक्शन है व्हिच आई गेट व्हिच इज अनदर आने वाले वक्त में चीजें इवॉल्व होती रहेंगी इसके अंदर कोई मसला नहीं बट आई थिंक फॉर अ पर्सन टू बी अ शायर और एनीथिंग देयर इज अ सर्टेन डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड टू दैट सो वो जो गुफ्तगू करते थे वो पर्सपेक्टिव मजे का होता था जॉन एलिया फॉर एग्जांपल अगर बात करता था इश्क के बारे में प्यार के बारे में You see the guy is mentally unwell, right? Man, the guy is a little drunk, a little off his game. Sher suna raha hai na, halfway he forgets ki kaun se prose pe hai wo, phir usko phir se restart karna hai. It's interesting to see him do that. Phir aap kisi aur jagah pe angle pe aaye to ye kya naam hai iska what's his name? Remembrance wali jo tha, Van Gogh. मतलब यार आर्ट के लिए बीमार होना बड़ा जरूरी होता है कि आप जितने अनवेल हैं और जितने आप ऑस्ट्रेसाइज्ड हैं उतना आई थिंक अगर आप उस एक्सट्रीम डेप्थ पे इमोशंस पे गए नहीं तो आपको प्यार समझ आप नहीं कर सकते इस बारे में गुफ्तगू और फॉर एग्जांपल देयर इज दिस रीसेंट देयर इज दिस रिसर्चर हु टॉक्स अबाउट वेलनेस एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स ओके उससे किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा आपको कौन लोग लगते हैं जो वेल होते हैं जो ख्याल रख पाते हैं अपना तो शी इज लाइक द पीपल हु आर रिकवरिंग from addiction is one of the aspects so for example the same process goes for the people who have recently gotten into a religion ha jo log musliman ho jate hain jo ye gora hota hai wo sabse version uska farak hota to aap jab gehrai ko chhu ke nikalte hai uski value lekin lekin acha jo hum agar apne local logon ki baat kare sahi hai to especially the teenage and early 20s ka jo love hai na love theek hai love wo jo hai na wo मेरे हिसाब से और मेरी मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मेरी उर्दू की टीचर है ठीक है वो मुझे कहा करती थी हम लोग क्लास में जाहिर है वो बच्चियों शुचियों कभी बात होगी तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्यार नहीं है ये हवस है हवस है और मैं बड़ा माइंड किया माइंड किया आप मुझे कैसे जानती हैं ठीक है तो लेकिन आज उनकी बात बड़ी रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं उस बात पर कि ऑब्वियसली आपकी सेक्शुअल डिजायर जो हैं दे स्टार्ट अब वो एक प्याला है जिसको चाहिए खाना दो ठीक है और उसको मिल नहीं रहा सही है और उसको और हर जगह से मिल रहा है लाइक यू नो पोर्नोग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट शिट इन बिटवीन ठीक है लेकिन उसको वो रियल इंटीमेसी नहीं मिल रही सही यार मैं तो ये सोच रहा हूँ रियल इंटीमेसी छोड़े मैं ये फैक्टर के अंदर हूँ कि आपने एक बच्चा पुराने जमाने में बच्चा पैदा होता था चीजें होती थी तो रिलीजन और क्रिश्चियनिटी और ये सारा कह रहा है कि वो बालिग हो गया ना It's time to get him into that function of relationship or shaadi or आपने और उस टाइम पे जो बच्चा था वो सो फॉर एग्जाम्पल आर आई क्यू लेवल जम्प्स 3% एवरी 10 ईयर्स हर 10 साल के गैप के बाद 3% थोड़ा सा और हम समझदार होते जा रहे हैं हमारा ब्रेन जो है ना वो बेहतर सो उस वक्त जो बच्चा था जो प्रोबेबिलिटी हिट करता था उस टाइम के ऊपर उसका इन्होंने कहा शादी अभी तो गॉड डैम जीनियस है उसके मुकाबले उसे आप कह रहे हो 21 तक इंतजार करें 21 क्या यार एवरी डे हालत खराब नहीं 26 होगी यार उसने तबाही नहीं फेरनी अपनी तो देखो बात ये है कि तो क्योंकि वो प्याला जो है सही है वो नहीं भरा हुआ सही है तो जब आपको पहला इंस्टेंस ऑफ वो प्याला भरने का मिला ठीक है तो आपकी बॉडी ने कहा यही था यही तो है यहां पे चला गया सही है और वो जितना आप उसको प्रोलॉन्ग करते रहो जितना आप उसको उससे दूर रखते रहो वो उतना एक्सट्रीम होता जा रहा है द मोमेंट शादी होती है ठीक है तो वो लव गॉगल्स जिनको मैं कहूंगा वो उतर क्यों जाती है 6 महीने बाद वही बंदा जो मर मिटने को तैयार है सालों से ठीक है और मैं इसमें अपनी एग्जांपल दे रहा हूं मैं किसी और की बात नहीं कर रहा ठीक है जो मर मिट जाना चाह रहा है सालों से वो 6 महीने बाद कहते हैं उनका भी मैंने यही देखा कि यार वो भी यही कि थ्रिल ऑफ द चेस था ठीक है वो जब वो एक्सट्रीम ऑफ दैट इमोशन वही थ्रिल ऑफ द चेस क्या है कि आपको वो मिल नहीं रहा आप उसके अंदर एक्सट्रीमली बोल रहे हम तेरे बिन रह नहीं सकते सा मेरा कुर्दा है
है वो जो ही वो पहुंचते हैं वहां पे 6 मंथ्स लेटर 4 मंथ्स लेटर 3 मंथ्स लेटर दे आर आल्सो लाइक दिस अगेन दैट्स द टॉक्सिक प्रोसेस राइट दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि टॉक्सिक लव का फंक्शन ही यही है कि यू कंप्लीट मी यस आई नीड यू मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता एंड वी फेल्ट दिस प्रोसेस बट वीव आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि अब मैं अपना ख्याल रखूंगा तुम्हारे लिए और तुम अपना ख्याल रखोगे मेरे लिए द फंक्शनैलिटी कम्स डाउन कि जो निकाह नामे का जो पेपर है ना यार ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का प्रोसेस है देखो बहन भाई सब अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स अपने फंक्शन के अंदर देर दीवाने हैं आपके वो ऑफ कोर्स हर वक्त लेकिन वो अपने अपने प्रोसेस में ये एक वाहिद कागज है जो लिख के कहता है कि देख तू भी घटिया है नहीं नहीं तू भी घटिया है मैं भी घटिया हूँ तू गन मारेगा ना मैं हेल्प रोल प्ले करूंगा तो मैं जब गन मारूंगा तो तुम रोल प्ले करना एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन कि भागना मत डोंट रन अवे डोंट बी डन विद थिंक अबाउट लीविंग सो द प्रॉस्पेक्ट कम्स डाउन कि आई हैव लर्नड सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू माय रिश्ता ऑफ शादी एंड अगर मैं अपना क्योंकि मेरा तो स्पेसिफिकली बचकाना है इश्क जो है ना मैं बहुत चाइल्डिश लव में बिलीव करता हूँ कि बस एक दूसरे के लिए ज़िंदगी गुजर जाए उसी की सर्विस में कर दें उसका ख्याल रखें नीड फॉर वैलिडेशन भी होगी 10,000 और मसले मसाए बट द प्रॉस्पेक्ट इज़ कि उनकी फीडबैक पे हमने प्रोसेस को बेहतर करना शुरू किया अपना ख्याल रखना शुरू किया अपने आप को डिज़ायरेबल बनाते गए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये कर रहा है हम भी अपने पे काम करें सो द लव का फैक्शन बिकेम मोर इवॉल्व्ड अदर देन द बॉडी फंक्शन इट बिकेम कि यार तुम मेरी ना डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हाँ ना लेकिन बट जो जो देखो तुम्हारा जो तुम्हारा है सही है देन दैट डजंट लुक लाइक द लव ऑफ द मूवीज एंड द सॉन्ग्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट कि इवॉल्व कर गया सही है इवॉल्व कर गया इनटू समथिंग एल्स इवॉल्व कर गया इनटू सेल्फ डेवलपमेंट इवॉल्व मेरा सवाल ये है कि वो जो मूवीज में और गानों में जो एग्जिस्टिंग लव एग्जिस्ट कर रहे हैं वो राइट आफ्टर मैरिज खत्म क्यों हो जाता है बिकॉज़ वो रियल नहीं नहीं है ना वो असल नहीं है प्यार ऐसा नहीं होता प्यार और इश्क जो है वो डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स एग्जिस्ट करता है अनकंडीशनल मतलब गॉड आपसे क्या कह रहा है कि यार बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे प्रॉब्लम आएंगे बट स्टिल यू हैव टू हैव फेथ सो बहुत सारा प्रोस्पेक्ट होल्ड करता है कि प्यार जो है वो सस्टेनेबिलिटी कंसिस्टेंसी डेवलपिंग ओवर टाइम का प्रोस्पेक्ट सो अगेन मेरे लिए ये पर्सनैलिटी टाइप है मैं एक पर्सनैलिटी टाइप था हमेशा के जो रास्ता बाकी ले रहे हैं ना नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए ये कह रहे हैं करोड़ रुपए कमा लो मैं कहूंगा नहीं उसने कमाए थे मैंने नहीं कमाए मैंने 200 कमाए मैं 200 मतलब 200 भी नहीं मैं बिल्कुल नहीं कमाऊंगा मैं जीरो अच्छा ये जीरो पे बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं मैं ये भी नहीं करूंगा मैं कुछ और रास्ता नहीं इट वॉज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू स्टैंड आउट अब ये कहाँ से आता है वो एक अलहदा इमोशनल इंटेलिजेंस की फंक्शनैलिटी एंड सेल्फ की है बट जब हमने पर्सनैलिटी टाइप ये अपनाया तो जब इश्क हुआ और हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में गिरना शुरू हुए जिसमें हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्त गिर रहे थे सो आई वाज लाइक ड्यूड ये नहीं ये ना हो सकता ये ना हो होने देना इस पे तो फॉरेन स्टैंप लगाने और कम्युनिकेशन और गुफ्तगू चलानी एंड थ्रू दैट कन्वर्सेशन इट हैज चेंज्ड बट लव अब मैं किसी के साथ डिस्कस भी करता हूँ ना सामने वालों के साथ यंग ब्लड के साथ या किसी का दे डोंट कनेक्ट विद व्हाट दिस इज नॉट एज एक्साइटिंग ऑब्वियसली बिकॉज़ गाने थोड़ी बिकेंगे आतिफ असलम की एल्बम में थोड़ी बिकेंगे बैलेंस में चीजें नहीं बिक सकती चीजें सो अब आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया देखो एक्सट्रीम इमोशन शाहरुख खान एक नई से नई चीज निकालेगा क्योंकि उसने टिकट बेच रहा है डोंट वो आपको प्यार नहीं बेच रहा वो पैसे कमा रहा है अच्छा सो हाउ डज व्हाट डज टॉक्सिक लव लुक लाइक व्हेन इट कम्स टू other relationships like Oy. parents तो सबसे बड़ा अज़ाब है toxic love is उनको आप पाहिज कर देना उनको ख़त्म कर देना अंदर से कि आप चाय ना बनाएं आप ये ना करें आप जबर ना लें आप पेन ना लें आप फिजिकल एक्सरसाइज में ना पढ़ें मैं आपकी चाय बनाऊं मैं आपका खाना बनाऊं मैं आपका बिस्तर सेट करके दूंगा मैं खिदमत एक चीज़ होती है और एक बंदे को ख़त्म कर देना एक और फैक्टर होता है और हम ये कर देते हैं हम लोगों को अपाहिज करते हैं एंड इसका रिप्रकॉशन इतना बड़ा है कि आपका छोटा बच्चा देख रहा है कि दादाजी जो है वो बिस्तर पे लगे हुए हैं 15-20 साल से फिर आप कह रहे हैं पता नहीं बुजुर्गों की इज्जत नहीं हो रही हमारी सोसाइटी को यू डिड दिस यू हैव सेट दिस स्टैंडर्ड वेयर लाइक कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तुम मेरे सारे काम करो और आप हेल्प करते हो इस सो हम बहुत सारी जगहों पर आई थिंक आई फील दिस इज अ टाइप इन ह्यूमंस वेयर वी आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हम इवेंचुअली ख़त्म होना चाहते हैं हम चाहते हैं तो हम उन रास्तों पे चलना शुरू हो जाते हैं विच लीड टू अस एग्जिटिंग दिस प्लैनेट एट सम पॉइंट अनदर बट लटका के लटका जलील हो के निकलेंगे ताकि आखिर पॉइंट तक
सो वो सजाद अली कहता है ना, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। द फंक्शनैलिटी इज कि आप बिस्तर को लग गए हैं लेकिन जाना नहीं, जाना नहीं। थोड़ी देर यार असल में जाने का वो बहुत है ना, फोमो, फियर ऑफ द अननोन बहुत ज्यादा यार, फियर ऑफ द अननोन। अगेन आपने अगर विद इफ यू हैव गिवन द मीनिंग, फॉर एग्जांपल द प्रोस्पेक्ट कम्स डाउन कि मैंने जो मीनिंग सेट किया हुआ है और मैं जिस तरीके जिंदगी को देख रहा हूँ उसमें किसी और का इमेज नहीं है, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, सो मेरी गलतियाँ मेरी परेशानियाँ मेरी हैं, देर वेरी माई ओन। एंड जब आप एक दफ़ा ये अपने हिसाब से गुजारते हो, आई रियली थिंक वन लाइफ इज इनफ। हाँ, आई डोंट गो थ्रू इट, नो, वन लाइफ इज इनफ, बट वो ही है ना कि जब तक तो वो स्लॉट मशीन पे आपके पास सिक्के हैं डालने के लिए तो आप खेलते तो रहोगे ना, क्या लगे रहे जितनी देर लग सकते हैं। बट टॉक्सिक लव इन आवर फंक्शनैलिटी इज कि आप सामने वाले के लिए त्याग दो अपने आप को, आप खत्म कर दो। आई हैव फॉर एग्जाम्पल डन दिस फैक्टर वेयर आई वाज लाइक कि मेरी कोई नीड्स नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना करेंगे वही, और उसके अंदर सामने वाले पे एक अजीब सा प्रेशर है, एक अजीब तंगी है, वो जब आपको रिटर्न नहीं दे रहा तो फॉर एग्जाम्पल इसी टॉक्सिक लव में सैक्रिफाइस की इमेज ले आए। यार हमारे माँ बाप में कब से ताने देते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया, तुम्हारे लिए वो कर, सब कुछ कर दिया। बाबू डिड आई आस्क, मैं मुझे पता है इट साउंड्स रियली मीन एट दिस मोमेंट, लेकिन यू वर सपोज टू हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन। नहीं नहीं यार वो मैंने फिगर आउट कर लिया, यू डोंट हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ चाइल्ड, चलिए सो आई कैन, मैंने इस चीज को बड़ा गौर से समझे। वो तो उनका ब्लैकमेल करने का तरीका है इमोशनली, आई एम सो सॉरी बट दैट्स इट, ठीक है। ये बहुत फजूल है बात है, इस वजह से क्योंकि द जॉय दैट अ वन ईयर ओल्ड और अ टू ईयर ओल्ड और अ थ्री ईयर ओल्ड और इवन अ टेन ईयर ओल्ड गिव्स टू अ पेरेंट, द जॉय अनप्रेसिडेंटेड, ओ यू कांट बाय इट मैन, यू कांट बाय इट, देयर इज नो वे हाउ दे मेक यू फील, यू वुड पे एनीथिंग फॉर दैट। डू यू फील लाइक गॉड, यू हैव क्रिएटेड समथिंग? No, it's not like that. मैंने कुछ बनाया है, it's मेरा है. It's a mixture of someone being so ultimately dependent on you, ठीक है? Number one, ठीक है कि there is no other way, right? And the other is that they're so cute. They're just so cute. They're just so adorable. I'm so sorry, but that is very similar to how I feel about my dogs. Ha, exactly. So you might, but this is different. Like, I mean, dogs ki communication obviously ek khas hadd tak hai. They're a 2-3 year old bachcha hai mere paas. Ha, ha, bilkul aise hi. 2-3 saal. Bilkul aise hi. Wo wahi pe phasa hua hai. Wo aage nahi badh. Wo roz mujhe darwaza chala jata hai na, jaldi chala jata hai. And then, dusri baat ye hai ki bachcha jo hai wo over time then they become your friend. They're always there for you, like. अगर आपने अच्छा पाला है, व्हाटएवर, इवन बुरा भी पाला है तो दे स्टिल देयर फॉर यू, ठीक है। एंड तो ये उनका ये कहना कि हमें कुछ मिलना ही नहीं है इज द मोस्ट रॉटन पीस ऑफ शिट दैट आई हैव हर्ड यार, बिकॉज़ वो रिजेंटमेंट बिल्ड हो जाती है सैक्रिफाइस दे दे के, और आप एक रिटर्न के चक्कर में समझ नहीं लेना कि सैक्रिफाइस जो तुम कर रहे हो तुम्हें उसी वक्त रिवॉर्ड मिल रहा है। सो द फंक्शन कम्स डाउन, यू कांट से कि सैक्रिफाइस वैक्यूम में हो रहा है। चलें, आप जो फिर टॉक्सिक लव की इमेज है वो सेल्फ सर्विंग है, सेल्फ सर्विंग। आप टॉक्सिक लव सिर्फ ये कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो अगले बच्चे को कि यार तू मेरा काम होना चाहिए, मैं जरूरी हूँ मेरा। सो आपने अपने आप को सेंटर पे रखा हुआ था, बच्चे को क्यों पालना ताकि बुढ़ापे का सहारा बन जाए, बच्चे को क्यों पालना ताकि वो मेरे लिए रहे, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सदका जारी है, वो आपके आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉस्पेक्ट करना है। आपने एक दरख्त लगाया है जिसने फल देना है एक एज पे जाके, आप कहते हैं मुझे छांव दे, मुझे ही फल दे। व्हाट इज टॉक्सिक लव लुक लाइक व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन? बच्चों के लिए उनको आप अगेन कीपिंग देम सो प्रोटेक्टेड दैट दे हैव नो आइडिया ऑन व्हाट डिसीजन मेकिंग इज, व्हाट मुश्किलात आर, व्हाट प्रॉब्लम। लड़कियों को बाहर नहीं जाना, पैसों का, बच्चों का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं वो साइकिल से गिर गया, हाय साइकिल चला, नहीं नहीं साइकिल नहीं चलाएगा मेरा बच्चा। आप इसको साइकोलॉजी के टर्म्स के अंदर कहते हैं थेफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उससे चोरी कर रहे हैं ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट। आई गेट इट, वही बात है ना कि प्यार, आपने इश्क की इमेज दी हुई है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, असल में आप खुद को अपने दर्द से बचा रहे हैं। yes. कि अगर इसको कुछ होगा तो मुझे दर्द। ये सेल्फ सर्विंग फंक्शंस हैं। आप बच्चे को अपाहिज करते हैं। फॉर एग्जांपल हजरत अली क्या कह रहे हैं, हजरत अली ने कहा अपनी बच्चों के बारे में कि 0-7 द किड इज योर किंग, वो बादशाह है, उसको आपने वो स्विच में हाथ डाल रहा है ना, उसको डालने दें, लेकिन पीछे से मेंस का बंद करें, रोकना नहीं है उसको, मेंस पे काम करें ताकि ही जंप्स और समथिंग, हैव अ नेट रेडी, डू नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। 0-7, 7-14 और 13 या थोड़ा बहुत, सो दैट इज द वो स्लेव डिसिप्लिन एज। आप इसको रगड़ा दें कि भाई वक्त पे उठना, चीजें करना, हर स्विच में हाथ नहीं दे सकते और काम जी सुना आप उसकी। सो 0-14 ही चला। 14-21 वजीर,
वजीर इज समवन हु गाइड्स एंड हेल्प्स एंड गिव्स यू लाइक अ टीम मेंबर. टीम वो स्कूल जाएगा, वो वापस आएगा, कहेगा मैंने बिटकॉइन के बारे में अबू प्रॉपर्टी में ना पड़े रहना, नई चीजों को समझ लें. डिड यू गिव इन, आपने सेब खरीदे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, आपने उससे पूछा है कि यार हम चार सेब लेके जा रहे हैं, पिछली दफा बचे थे सेब. डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आपने उसके अंदर इनकलकेट कर ली. रिलीजन कह रहा है कि 21 के बाद आपका बच्चा आपका रोल फिनिश, इट इज एन अडल्ट नाउ. लिविंग इवन कुरान में एक जगह पे तस्बीह है ऑफ बर्ड्स के साथ, तो बर्ड्स में भी नेस्ट खाली होता है और आप उसको उड़ाते हो, आप उसको उड़ना सिखाते हो ताकि वो आपके नेस्ट से जाए. हमारे तो जिन रेफर हो रही है पकड़ के रखना डूड. फिर वही बात है ना कि यू, सो फॉर एग्जांपल आई हैव मल्टीपल फ्रेंड्स हु हैव किड्स, तो एक के पास दो बच्चे, एक के पास तीन, एक के पास चार बेटियां, मल्टीपल साइकिल्स, राइट? मोस्ट ऑफ देम काइंड ऑफ शेप देयर लाइफ अराउंड द किड, कि अब बच्चा आ गया है तो मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा एस्पेक्ट हो गया. एंड आई सी दीज पेरेंट्स हु आर मुल्तान में, मेरा बड़ी है जैन बलोच, आई हैव सीन हिम शेप द किड्स लाइफ अराउंड हिम. वो ट्रैवल कर रहा है, बच्चा तो साथ है सड़क पे, वो फिर बाकी मुझे पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं अभी कहाँ होगा, मेड्स का मसला, उनके साथ कोई मेड नहीं है, चार बेटियां हैं, उनको पता है उन्होंने कहाँ बिठाना है, वो हमारे साथ दफ्तर में बैठी है चुप करके अपने खिलौनों के साथ बैठी, बिकॉज उसको प्रेपरेशन मिली है कि मैंने सोसाइटी में कहा. सो रैदर देन गिविंग अवे एवरीथिंग विच इज अगेन अ सेल्फ सर्विंग फंक्शन, यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी कि यार मेरी जिंदगी तुम्हारे अलावा भी है, तो तुम जब उड़ पड़ोगे आई विल हैव अ लाइफ, I will have friends, I will have shop. ये बहुत बड़ा 21 साल आपने कुछ भी नहीं किया. The moment the child goes or the children go, parents को पता ही नहीं है कि भाई ना कोई hobby रही, ना कोई दोस्त रहे, अच्छा सारे relationship भी फारिग हो गए ना, सही है आपने सब फारिग किया ना उसके लिए. और अब आप कह रहे हो कि तू मुझे, अब तू मेरी hobby भी है, सब कुछ, तू मेरा दोस्त भी है, तू मेरा तिमारदार भी है, तू सब कुछ. Dude, for example, इट्स फ्रॉइडियन साइकोलॉजी का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि माँ बाप की आपस में रिलेशनशिप्स होती हैं वीक, तो बेटा होता है बॉयफ्रेंड कि उसके लिए इमोशनल, जो तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, उस मामे ने ये कर दिया, चाचे ने ये कर दिया, और बॉयफ्रेंड जैसे कहीं और हो जाता है, प्रोटेक्टर मोड में होता है. चलें उसके बाद आपने उसकी शादी कराई ना, अब जो दूसरी औरत आई है वो एक माँ के लिए वो है कंपटीशन है कि ये तो इसने मेरे से बेटा, मेरा तो वो इमोशनल साइकिल इसका चला, थेरेपिस्ट बना हुआ था, वो खत्म. सो वो टॉक्सिसिटी कितनी लेके आता है इस प्रोसेस के अंदर, रिलेशनशिप्स को हम कितना. यार आई हैव फ्रेंड्स हु आर 40 अबव और उनके माँ बाप अभी भी उनके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कहाँ लगाना है, क्या करना है बच्चे को. आई नो समवन, अल्लाह ना करे वो देख रहा है पॉडकास्ट, बट आई नो समवन हु हैज टू किड्स, लिव्स अब्रॉड and has been living abroad for 10 years, well, rather more, 14, 15 years. Akela rehta hai, matlab shaadi hui hai, bachche hain, sab kuch hai. Shirt ka color nahi decide kar sakta. Maa ko link bhejta hai ki meri shirt color ka color. Main ye lunga, main ye lunga. Dude, paise kahan aata hai? This is love for them. Yes. Ki meri apni maa ke liye pyar. यार आप कितनी अजीब सी आदतें पा रहे हैं, कितनी dependent सी आपकी, कितनी weak. I believe this leads to weakness. Yes. मुझे लगता है ये वही parents बनते हैं, फिर ये लोग जो weak होते हैं ना, ये वही लोग बनते हैं जो कहते हैं लोग क्या कहेंगे. Because you do not have the capability to stand for your decision. बच्चे की शादी वक्त पे होनी और इसकी ये इसकी पढ़ाई शुरुआत, लोग क्या कहेंगे. How weak are you? How weak is your love, your character, कि जिसको आपने अपने खून से बनाया है, वो आपका खून है, वो कम इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. और लोग क्या कहेंगे. How weak are you? आप कह रहे हैं प्यार है, हमने इनको प्यार दिया है. मैं तो इस बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है सेल्फ सर्विंग. सो टॉक्सिक लव कम्स डाउन टू दिस सेल्फ सर्विंग इमेज ऑफ कि मुझे अच्छा महसूस हो, मेरे बारे में बंदा सोचे. अब फॉर एग्जांपल इवन द डॉग्स का फंक्शन है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड. यार मैंने कुत्ते पाले हैं, ऑब्जेक्टिवली अगर मैं उसे वीक व्यू करूं, उसका एक काम है मेरी ईगो को बूस्ट करना कि यार इसकी जिंदगी मेरे बगैर नहीं चल सकती, इसको खाना मेरे से. मुझे याद है कोरोना के अंदर काम नहीं चल रहा था, मुश्किलात थी, मेरा कुत्ता जो है वो सुबह सुबह बिस्तर के साथ आके मुंह रखा हुआ, उसने मेरा निकलने का दिल नहीं चाह रहा, मैं उदास चल रहा हूँ, परेशान हूँ, वो कुत्ता आ गया है कि मुझे खाना खिला. अब मैं उसके लिए उठा हूँ कि यार समवन इज डिपेंडेंट ऑन मी, फिर वो वॉक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओ आई एम टेकिंग केयर ऑफ दीज, नॉट रियली, इट्स देम हु इज डूइंग दिस, बट मैं अपनी ईगो को बूस्ट करता हूँ उस प्रोसेस में से कि यार किसी को मेरी जरूरत है, किसी को मैंने फीड. तो मुझे अब ये समझ आना शुरू हुआ कि यार प्यार आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारा सैक्रिफाइस. लीडर का फिर ये प्रॉस्पेक्ट सिमिलर ट्रेट में आता है कि जब आप लीडर बनते हो और आप जिम्मेदारी लेते हो लोगों की, फिर आप नहीं होते सेंटर. और इफ आई वाज टू कंक्लूड दिस, ठीक है, तो वो ये होगा कि अगर तुम डिवाइन लव भी देखो, ठीक है,
हजरत अली का कॉल है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने की इरादों की नाकामी में पहचाना, ठीक है. यू सी दैट देयर आर दीज डिप्रेसिव फेजेस इन योर लाइफ व्हिच माइट इवन किल यू व्हाटएवर, ठीक है, बट व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रांग, ठीक है. कभी कभी आपको ना ऐसा टफ लव मिलता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, और वो जरूरी होता है आपकी ग्रोथ के लिए. सो इट एंड दैट सॉर्ट ऑफ ट्रिकल्स डाउन टू इवन पेरेंटिंग, कि अगर आप को अगर आप बच्चों के साथ टफ लव नहीं देंगे या इवन पेरेंट्स के साथ अगर आप उनको थोड़ा बहुत टफ लव नहीं देंगे, दे विल स्टॉप ग्रोइंग, दे विल बिकम डिपेंडेंट एंड यू डोंट वांट दैट बिकॉज यू डोंट नो कि कल तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी, ये बंदे कलैप्स करके बैठे होंगे. और मजे की बात है, ये कलैप्स करेंगे 4-5 दिन, फिर ये कुछ ढूंढ लेंगे. This is the thing. But जब ये ढूंढते हैं ना, आप इसको भी अगर स्टडी करोगे, they will look for toxic spaces to do that space. For example, there is a part of my family जिनकी बहन चली गई या माँ चली गई ना, तो अब उनकी आधी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजरती है. oh. और लोग उनको उस तरह देख रहे हैं कि देखो इश्क का एक यार उसकी औलाद है, उसके बच्चे हैं, he has a role to play in society, he is not doing any of that. और आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी. We need to talk about these factors कि इसके ripple effects कहाँ तक चलते हैं, इंसान का ही बड़ा मस. So toxic love comes down आखिर में फिर से कि balance की तरफ लेके आए. अपना self-serving नहीं हो सकता, सामने वाले का चांस. For example, अगर हम parents से बात करते हैं, yeah, there is an age when you need to make them your friend, you need to make them an equal partner in the conversation. And also call out their bullshit sometimes. And you need, they need to do the same for you. यार आप बच्चे होते जा रहे हैं ना, as you're aging. तो आपने उसको स्पेस देनी है कि यार अब तू फैसले करेगा, तू decisions लेगा और तूने मुझे भी संभाल. So at some point I will go moved. तो ये balance लेके आना, जंग रहेगी, जगह नहीं है कोई. बार बार इसके अंदर प्यार का वो मूड. But being submitting to this process, I believe it makes me. For me at least, it has made me healthier. अभी मेरी बेगम जो है वो गई भी है मास्टर्स वगैरह करने के लिए. So I have felt that process. यार इस पे काम करने की जरूरत है. ये क्या डिपेंडेंसी है कि उसी को मैसेज चल रहे हैं. दोनों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. दोनों के लिए बहुत ज्यादा कि वो स्पेस लें कि यार हम खुद कौन है. When you work on yourself and you complete, सुपर पावर तब है. बिल्कुल मजा तब आएगा. बिजनेस पार्टनर ऐसा हो कि सामने वाला भी उतना ही काबिल है, वो आपको उसी तरह चैलेंज करे. एंड फॉर एग्जाम्पल प्यार का ना बहुत बड़ा फॉर टॉक्सिक लव का ये फंक्शन है कि हमारी रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि हंकी डोरी लव प्रोसेस, ये लव है और ये अच्छी शादी. नो चैलेंज, उसमें लड़ाई, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट. चेंज हो गया, ये बंदा बाहर से होके आया, इसने नई बात सीख ली, अभी आके मुझे चैलेंज करे. दिस डिबेट, वी हैव टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल प्रोसेस. यू हैव टू नॉर्मलाइज दिस एंड यू रियली चेरिश दिस फंक्शनैलिटी. सो या टॉक्सिक लव ब्रिंग्स आउट अ बैलेंस मैन. लेट्स सी वेयर दैट कम्स.